अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, आज की जो वीडियो है वो होने वाली है बहुत ही मज़े की। एक चाट की रेसिपी के बारे में मैं आप लोगों को आज की वीडियो में बताऊंगी कि मेरी अम्मी जो चना चाट हैं वो किस तरह से बनाती हैं, ठीक है। तो उसकी रेसिपी होने वाली है आप लोगों के साथ शेयर। तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा अगर पसंद आया, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें बहुत मज़े का एक मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ इन्ग्रीडियंट, ऐसा कह लें जिससे बने कि आप लोगों की चाट एकदम परफेक्ट बनेगी और बहुत ही मज़े की बनेगी। ऐसा लगेगा कि जैसे आप लोगों ने बाहर से जो चाट मिलती है ना और हम लोग बड़े शौक़ से खा रहे होते हैं, उस तरह की चाट बनेगी, ठीक है। तो इसके लिए हमें आलू चाहिए, उसके साथ हमें चाहिए चाट मसाला, विनेगर चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें चटनी चाहिए, ग्रीन धनिया पुदीने की चटनी होती है ना वो चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा इमली चाहिए, नमक चाहिए, प्याज, पुदीना, धनिया, टमाटर, ठीक है, और हरी मिर्च। और यहाँ पे अब जो है मेरी मामा इसको जो है आलू को यहाँ पे इस तरह से बारीक बारीक जो है स्लाइसेस में कट कर रही हैं, ठीक है, क्यूब्स में कट कर रही हैं लाइक, ठीक है। तो आलू को इस तरह से आप लोगों ने लेकर अच्छी तरह बॉईल कर लेना, और आलू इतना बॉईल करें कि वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। चने यहाँ पर मैंने आधा बाउल लिए हैं, लाइक अब कितने होंगे, आधा किलो तो नहीं होंगे, आप दो बोल ले लीजिए, जो खाने वाले बोल होते हैं ना वो दो ले लीजिए, और आलू जितना आप चाहें। और आपको इसको जो है इंग्रेडिएंट्स को बढ़ा भी सकते हैं, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, जितने आप लोग हैं उतने आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो आलू यहाँ पे सारे कट हो चुके हैं, अब चना जो है चनों को और आलू को अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ही बेसिक सी रेसिपी है लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है, ट्रस्ट में, ठीक है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पर बताइएगा कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी। इंस्टा हैंडल मेरा आप लोगों के सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, यहाँ जाके मुझे फॉलो भी कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है चाट वगैरह अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है, और मैं अम्मी के घर में थी तो मैंने कहा अम्मी आज आप जो है मामा आप रेसिपी बनाएं, मैं जो हूँ इसको रिकॉर्ड करती हूँ और अपने चैनल पर लगा दूँगी। अच्छा, यहाँ पे टमाटर डाल दिए, ठीक है। टमाटर आप लोगों की चॉइस है कि आप लोग ज़्यादा डालो या कम, मेरी मामा को पसंद है तो वो डाल देती हैं, और अगर मैं खुद बनाऊँ तो मुझे टमाटर बेसिकली इतनी कोई पसंद नहीं है तो मैं नहीं डालती, ठीक है। धनिया पुदीना डाल दिया, सब चीज़ें अब मिक्स कर लेते हैं इसको अच्छी तरह। अच्छा जी, पहले चाट मसाला डालने की बारी है, और यहाँ पे अम्मा को स्पून नहीं मिल रहा था स्पून नहीं मिल रहा था तो अच्छा यहाँ पे मिक्स कर लिया उसको थोड़ा बहुत। और यहाँ पे अब जो है नेक्स्ट मामा डालेंगे इसमें इमली की, जो इमली को जो है आप लोगों ने थोड़ी सी इमली ले लीजिए एज़ पर योर टेस्ट, ठीक है, जिस तरह का आपको टेस्ट पसंद है। उसमें पानी डाल लीजिए, ठीक है, और उसमें अपने हाथ से इस तरह से अच्छी तरह, अम्मियों का आपको पता है वो हाथों से मसल मसल की चीज़ों को हाथों से मिक्स करना, और वो चीज़ें उनके हाथ का जायका ही और होता है यार, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो इमली का जो पल्प है वो सारा डाल रही हैं, ठीक है। आप लोगों की रिक्वायरमेंट, अगर आप लोग खट्टा नहीं खाते तो आप लोग बेशक स्किप कर लीजिए इसको, ठीक है, या डालना चाहें तो थोड़ी सी सेपरेटली इमली की चटनी बना लें, अगर कहेंगे तो मैं उसकी रेसिपी भी दे दूँगी, ठीक है। नमक डालना है जितना आप लोगों को रिक्वायर्ड है, जितना आप लोग टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो, ठीक है। चाट मसाला भी यहाँ पर आप लोग दो चम्मच डाल लीजिए, अदरवाइज आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिए, ठीक है। चाट मसाला भी मेरी अम्मी के हाथ का बना हुआ, अपने घर का बना हुआ है, तो इसलिए बाइट का मसाले में टॉटरी बहुत ज़्यादा होती है और घर के मसाले में थोड़ा डिफरेंट होता है, इसलिए आप ज़्यादा भी डाल सकते हो, ठीक है। तो मामा ने यहाँ पे अच्छा खासा तीखा वाला चाट बनाया था, ठीक है। अच्छा, अब इसको मिक्स कर लेंगे, और मैं साथ साथ खा भी रही थी हल्का हल्का चुन चुन के कि देखूँ टेस्ट कैसा आ रहा है। तो अब यहाँ पे मामा को थोड़ा खट्टा ज़्यादा पसंद है, लाइक उनकी चाट जो है बाहर वाली चाट की तरह बिल्कुल होती है। आप इसके साथ दही यूज़ कर लीजिए, दही को साइड पे सेपरेटली एक बोल में रख दीजिए, जिसको दही चाहिए वो डाल के खा लेगा, अदरवाइज़ हमें इस तरह की खट्टी चाट ही पसंद है, ठीक है। तो हम इस तरह से घर में बनाते हैं। यहाँ पे मामा ने दो चम्मच जो हैं टेबल स्पून कह सकते हैं इसको, ठीक है, तो वो मामा ने सिरके के डाल दिए। आप लोग बेशक हाफ डाल लीजिए, अगर सिरका नहीं अवेलेबल तो लेमन डाल लीजिए एक, अगर लेमन भी नहीं डालना तो जो इमली है वो अपना काम कर देती है, वो खटास उसी तरह की कर देती है, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे, लाइक मामा अच्छी तरह मिक्स करेंगे, और आप चाट का कलर देख सकते हो कितना प्यारा आया ना, ठीक है। अब यहाँ पे चाट अच्छी तरह मिक्स हो रही है, और मिक्स होने के बाद जी आप लोगों की चाट ऑलमोस्ट रेडी है। सही है जी, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि चाट आप लोगों ने बनाई है कैसी लगी, मेरे साथ इंस्टाग्राम पर रेसिपी शेयर कर लिया करें, अगर आप लोग मेरी बताई हुई कोई भी रेसिपी ट्राई करते हैं। अब यहाँ पे जो सबसे स्पेशल चीज़ थी ना, जो मैं आपको कह रही थी कि आपकी चाट को बिल्कुल बाहर वाली चाट की तरह बनाइए, तो वो थी ये ग्रीन चटनी, ठीक है। इसमें धनिया पुदीना और मिर्ची डली हुई है और एक लहसुन डला हुआ, इसको अच्छी तरह पानी में ब्लेंड कर लीजिए और चटनी आपकी रेडी हो जाएगी, ठीक है। और मेरी अम्मी चटनी में थोड़ा सा जो है